हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भगवान शिव ने दिया था विष्णु को सुदर्शन चक्र, आज इसके बारे में हम जानेंगे। भगवान शिव और विष्णु से जुड़ी अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। ऐसी ही एक रोचक कथा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से जुड़ी हुई है। इस दिन बैकुंठ चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व शिव की पूजा करने का विधान है। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी कथा है, तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार भगवान विष्णु शिव जी का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल फूलों से भगवान शिव की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। भगवान विष्णु को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल के फूल चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के फूल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आँख भगवान शिव को चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका और बाद में मेरा पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तब प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट में दिया और कहा कि यह चक्र राक्षसों का विनाश करने वाला होगा। तीनों लोकों में इसके बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है भगवान शिव ने विष्णु को सुदर्शन चक्र क्यों भेंट किया था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा नए नए अपलोड्स की जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।